बच्चों, हम लोग आपका कोर्स कंटेंट चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो कि खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया है। और इसके हमने लगभग 2 हिस्से कर लिए थे, और अब आज हम तीसरा हिस्सा करने वाले हैं, जो कि इसका कंक्लूडिंग पार्ट है और कहानी का क्लाइमैक्स है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। हमने स्टोरी में अभी तक देखा था कि जो राइटर है वो अपनी दादी के साथ उसके गाँव में रहता है, उसके पेरेंट्स शहर में शिफ्ट हो गए, और जब वो शहर में सेटल हो गए तो उनके पेरेंट्स ने क्या किया, दादी और पोते को शहर बुला लिया। लेकिन यहाँ आके दादी पोते के बीच की जो बॉन्डिंग थी उसमें थोड़ी सी कमी आ गई। फिर धीरे धीरे जैसे समय बीतता है, बच्चा बड़ा होता है, वो स्कूल चेंज हो जाती है, फिर वो कॉलेज स्टडीज़ के लिए जाता है, तो दादी का इंटरेस्ट जो है बच्चे के स्टडी के प्रति कम हो जाता है, क्योंकि वो दादी के जो विचार है उससे मेल नहीं खाता। फिर बच्चा जो है वो फॉरेन स्टडीज़ के लिए अब्रॉड चला जाता है, हायर स्टडीज़ के लिए। तो दादी, उसे ये था कि शायद मेरी दादी रोए या कुछ इमोशनल फीलिंग्स दिखाए, बट दादी ने ऐसा कुछ नहीं किया। और दादी बच्चे के जाते जाते उसके फोरहेड पे चूमती है, और ये दादी पोते के बीच का आखिरी फिजिकल कांटेक्ट था जो कि उन दोनों के बीच था, क्योंकि वो उसका पोता था लेकिन अब बड़ा हो चुका था, फॉरेन जा रहा था, दादी के सोच से परे थी उसकी सारी स्टडी, दादी ने उससे अपने आप को थोड़ा सा अलग कर दिया था। अब आज हम स्टडी का कंक्लूडिंग पार्ट देखते हैं, इसको तीसरा और आखिरी हिस्सा है। इस स्टडी में, इस जगह वो स्टडीज करके वापस आने वाला है, बट दैट वॉज नॉट सो। लेकिन यहीं तक सारा ख़त्म नहीं हुआ। आफ्टर 5 ईयर्स आई केम बैक होम, कि 5 साल बाद जब मैं घर लौटा एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, कि दादी उसको लेने आई तो वो उनसे मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो 5 साल बाद भी दादी एक भी दिन ज़्यादा बूढ़ी नहीं दिखी, मतलब जैसी थी वैसी की वैसी थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, दादी आज भी दादी के पास बोलने के लिए कोई समय नहीं था। वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स, जबकि दादी ने पोते को गले तो लगाया, आई कुड हेयर हर रिसाइटिंग प्रेयर्स, जब बच्चे को गले लगाया अपने पोते को तो उसने सुना कि दादी अभी भी वही पुरानी प्रार्थनाएं और भजन गा रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज, कि यहाँ तक कि जब वो 5 साल बाद लौटा और पहला दिन था उसके लौटने का, दादी का जो बेस्ट टाइम था वो उन चिड़ियाओं के साथ था, हुम शी फेड लॉन्गर एंड विद फ्रिवलस रिब्यूक्स, और रिब्यूक होता है झिड़कना। तो दादी बहुत लंबे समय तक उन चिड़ियाओं को खाना खिला रही थी और प्यार से उनको झिड़क रही थी, जैसे कहते ना या मत बैठ, अरे इधर आ, अरे ऐसे मत कर, तो वो जैसे बच्चों से बात कर रही दादी उन चिड़ियाओं से बात कर रही थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, और शाम को दादी में कुछ परिवर्तन आया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने कोई पूजा पाठ प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, दादी ने क्या किया, आस पड़ोस की सारी औरतों को इकट्ठा किया और एक पुराना ढोलक लिया और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द डेलिपिएटेड ड्रम, घंटों तक दादी उस ढोलक को बचाते रही, एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और क्या गाया दादी ने उन औरतों के साथ, योद्धाओं के घर लौटने की वीर गाथाएं। वी हैड टू पर्सुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, यहाँ तक कि दादी घंटों तक गाती रही और दादी को रोकने के लिए कि दादी ज़्यादा परेशान और थक ना जाए, बहुत मेहनत करी करनी पड़ी इन घर वालों को। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, वो पहला समय था जब पोते ने ये देखा कि दादी ने कोई प्रेयर नहीं की, गीत गाए। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और अगले दिन दादी बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, यह एक सिंपल सा बुखार था, डॉक्टर ने बताया कि ये ठीक हो जाएंगी। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन दादी तो अलग तरीके से सोच रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, दादी ने अपने परिवार के सदस्यों को बताया कि अब उसका अंत नज़दीक है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ हर फर्स्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी सेड ओमिटेड टू
pray she was not going to waste any more time talking to us. अब उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो पहला चैप्टर ख़त्म किया था तब ये बात कही, और उसके बाद दादी किसी से बात करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, वो सिर्फ भगवान का भजन करना चाहती थी. वी प्रोटेस्टेड, हमने रोका उनको, बट शी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट. लेकिन हमारी सारी रोक और रुकावट को उन्होंने इग्नोर किया. शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स. दादी बिस्तर में लेटी रही शांति से और भजन गाती रही, प्रार्थना करती रही और माला फेरती रही. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, कि हमें कुछ शक तो होता, उससे पहले ही दादी के होठ चुप हो गए. एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और वो जो माला थी दादी की अंगुलियों से छूट गई. अ पीसफुल पैलेस स्प्रेड ओवर हर फेस, चेहरे पे एक शांत सा माहौल छा गया, शांति छा गई. एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और इस तरह हमें पता चला कि दादी तो मर चुकी थी. वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड. श्राउड ओढ़ना या चुन्नी जो कवर की जाती है. तो जैसा कि रिवाज है डेड बॉडी को बिस्तर पे नहीं रहने देते, तो हमने भी दादी का जो डेड बॉडी थी उसको बिस्तर पे लिटाया और उन पे एक लाल ओढ़ना उड़ा दिया. आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल. कुछ घंटों तक तो इन लोगों ने रोना कल्पना किया, विलाप किया, और आखिर चूँकि डेड बॉडी का अंतिम क्रियाक्रम भी करना था तो ये लोग उठे और सारे अरेंजमेंट करने में लग गए. इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू मेक हर टू बी क्रेमेटेड, क्योंकि अभी तक तो दादी रूम में लेटी हुई थी. तो वो लोग शाम के समय उन्होंने वो अर्थी को कमरे में लेके गए ताकि दादी को उस पर लिटाया जा सकते. द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरामदा विद द ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट. ये सूर्यास्त का समय था, तो जो सूर्यास्त की किरणें आ रही थी दादी के कमरे और बरामदे को पूरे को सुनहरी किरणों से भर दिया था. वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड. उनका जो बरामदा था, कोर्टयार्ड जो था, उसमें वो आधे रास्ते रुक गए. ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम राइट अप वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन अ रेड श्राउड थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. जैसे वो कमरे में एंटर हुए उन्होंने क्या देखा, बरामदा और कमरा जहाँ की दादी की डेड बॉडी पड़ी थी, हजारों चिड़ियाएं उस बॉडी के इर्द गिर्द बैठी हुई थी. देर वॉज नो चर्पिंग, वो चहचहा नहीं रही थी. वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें उन चिड़ियाओं के लिए दुख हुआ कि अब उनको खाना कौन खिलाएगा. एंड माई मदर फेज सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माँ गई रोटियाँ लेके आई. शी ब्रोक इन टू लिटिल क्रम्स, माँ ने जैसे दादी तोड़ती थी छोटे छोटे टुकड़ों में उनको तोड़ा. द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू देम, वो टुकड़ों को चिड़ियाओं को फेंक दिया. द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन ये क्या, चिड़ियाओं ने तो उस रोटी के टुकड़ों की तरफ देखा तक नहीं. वेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, कि जब हम ग्रैंड मदर की दादी की जो लाश है वो लेके जा रहे थे, दे फ्लू अवे क्वाइटली, चिड़िया सारी उड़ गईं. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वेपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगले दिन स्वीपर ने वो जो सारी रोटियों के टुकड़े थे इकट्ठे करके डस्टबिन में डाले. चिड़ियाओं ने एक टुकड़ा भी नहीं खाया, सारी चिड़ियाएं शांति जैसे दादी की डेथ पर वो भी शोक मना रही थी. तो बच्चों, इस तरह हमारा ये सेकेंड चैप्टर भी कम्प्लीट हुआ. थैंक यू.